राइट गाइस, यार मैंने भी ले लिया इंडियन बाइक्स रैम 3D के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जू पार्क, जिसको कि RJ टूल की मदद से बनाया गया है। एंड आप लोग भी इसको अपने गेम के अंदर ऐड कर सकते हो। कैसे, चलिए बताते हैं। राइट यार दोस्तों, यार अभी मेरे दोस्त का कॉल आया था और वो बता रहा था कि भाई मेरे पास आओ पास। मैंने कहा यार बरसात हो रही है, मैं कैसे आ सकता हूँ भाई, बहुत ही ज्यादा बरसात हो रही है। इसी के साथ यार बादल भी काफी ज्यादा खराब रखे हैं। फिलहाल तो गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पास कितनी मस्त मस्त कार है। एंड जी वैगन गाइस चेक करो यार। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अरे भाई जी वैगन का इतना यूनिक कलर क्यों कर दिया। वैसे गाइस आपको मैं बताऊं, जो स्पेशल जो करोड़ों की कारें होती है ना, उनका कलर ऐसा ही होता है यार, क्योंकि वो रोडों पे अलग ही दिखती हैं, समझो ना। व्हाइट कलर का तो बहुत सारी कारें दिखती हैं। फिलहाल के लिए तो गाइस ये मैं कार लेकर कहाँ जा रहा था भाई। अरे यार से चलो गाइस, इसको दिक्कत नहीं, फटाफट से घर पे चलते हैं। गाइस जब बारिश बंद हो जाएगी तब आऊंगा। सो फाइनली दोस्तों, यार अभी मैं आपको बताऊँ तो यार अभी बारिश जो है आपके आंखों के सामने से बंद हो चुकी है। चलो फटाफट से गाइस चलते हैं। अब देखते हैं भाई झिंगरू भाई ने क्यों बुलाया है मेरे को। जी हाँ दोस्तों, यार झिंगरू नाम है उसका, झिंगरू, पता नहीं क्या नाम सोच कर रख दिया है। ओके तो चलो दोस्तों, अभी यार इस कार का मजा लिया जाए। चलो तो मैं इसके अभी पीछे लगाकर इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़वा दे रहा हूँ। ये देखो भाई, अब तो ये रुकने वाले में से नहीं है, ठीक है। ओके ये देखो वो गया। ओके उसने मुड़ा, एंड भाई ये लो पेड़ तोड़ दिया उसने भाई। कितनी ज्यादा स्पीड कर देता हूँ मैं इस तरीके से, मैं मजे लेता हूँ भाई सब छोटी छोटी कार के। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं झिंगरू भाई के पास आ चुका हूँ। हेलो झिंगरू भाई, यहाँ बताओ क्या कह रहे थे। हेलो भाई, मैं सोच रहा हूँ यार, मैंने एक जू पार्क खोला है, तो मैं सोच रहा हूँ एक रैंप मैं बनाऊँ और उसको तुम कम्प्लीट करो, और उसके बाद तुम उस जू पार्क में जाओ और लोगों को बताओ देखो मैंने ये कम्प्लीट करके जू पार्क ले लिया है। अरे लेकिन ऐसा क्यों, सिंपली दे दो ना मेरे को जू पार्क। अरे नहीं, उससे मेरी एडवर्टीजमेंट नहीं होगी ना, लोग मेरे इस जू पार्क को नहीं जानेंगे, इससे कुछ चैलेंजेस होगा, उसके बाद जू पार्क में जाओ तो और भी ज्यादा लोगों को अच्छा लगेगा, मजे आएंगे। अरे हाँ ये भी हो सकता है, हाँ सही है, मैं करने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे क्या मिलेगा उसके बदले। अरे भाई यार तुम झिंगरू भाई के पास आयो ना, तुमको मिलेंगे 10 करोड़ रुपीज ये कम्प्लीट करने में। ओके आई एम रेडी दोस्तों, चलो बराबर से चलता हूँ घर पे। सो ऑलराइट दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ भाई, मुझे झिंगरू भाई ने कहा है कि मैं वो रैंप कंप्लीट करूंगा और उसका जू पार्क में जाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा, तो गाइस मेरे को वो 10 करोड़ रुपीज देंगे। तो भाई मैंने कहा ओके, अब नेक्स्ट डे में मिलते हैं आपसे। The next day. So good morning guys, और अभी हो चुका है यार next day, and मेरे को देखना है भाई वो ramp complete हुआ कि नहीं। All right दोस्तों, तो मेरे भी घर के सामने ramp बन चुके हैं यार, आप लोग देख पा रहेंगे। And भाई अब तो काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं दोस्तों। चलो यार मैं अभी ramp complete करने वाला हूँ, किससे, स्कॉर्पियो से या थार रॉक से या फिर जी वैगन से। जी हाँ दोस्तों, इससे तो बिल्कुल कम्प्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि यार ये रैम्प हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बाइक से कम्प्लीट कर सकते हैं। ऑब्वियसली गाइस ZX चला रहे तो भाई होगा तो होगा ही, ठीक है भाई, मेरे पास सबसे महंगी महंगी कार है। ओके तो गाइस भी आप लोग देख पाएंगे ये रैंप होने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट छोटा सा रैंप है, बट काफी ज्यादा मस्त है। एंड मैं आपको बता देता हूँ, ये बनाया हुआ है गाइस सिमलिस्ट भाई ने। ओके फुल क्रेडिट टू सिमलिस्ट। ओके तो गाइस अभी मैं फटाफट से चलता हूँ, इस रैंप को कंप्लीट करता हूँ। सो ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहेंगे मेरे को ये ग्रास के किनारे इसके ऊपर ऊपर से निकलते हुए चलना है। ऑलराइट एंड भाई काफी ज्यादा मस्त डिजाइन बनाकर रखी हुई है भाई, अनबिलीवेबल, ठीक है। वैसे यार ये कोई इंसान तो बना ही नहीं पाएगा, इतना खतरनाक बनाते हैं। ओके चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आगे चलते हैं। एंड यहाँ पे मैंने चेक पॉइंट को यूज कर लिया, एंड चलो गाइस अभी आगे चलते हैं। एक सेकंड में गिरा, एंड मैं फटाफट से स्पीड में इसको क्रॉस करके आपसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सो ऑल राइट दोस्तों, ये चेक करो गाइस, यहाँ से मेरे को डस्टबिन के ऊपर से निकलना पड़ेगा। ओके गिरना जाऊँ मैं, एंड संभाल के, एंड बूम। ऑल राइट यार मैं पहले चेक पॉइंट ले लेता हूँ, एंड इसी के साथ गाइस अब मेरे को आगे चला। अरे नीचे गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक पॉइंट का यूज कर सकता हूँ। ऑल राइट अभी मेरे को इधर से निकलना, एंड यहाँ से कुदारे में, अरे यार फिर से, चलो कोई दिक्कत नहीं अब की बार तो क्रॉस कर ही दूंगा, ये ले लो। अरे भाई अब लो, ठीक है अब तो भाई एक बार में क्रॉस होगा, मेरे को ऊपर जाना है। ओके तो मैं आपकी संभाल के जाऊंगा, एंड यहां से अपनी बाइक को कूदा दूंगा कुछ इस तरीके से। एंड फाइनली यहां पर भाई झिंगरू भाई ने काफी ज्यादा खतरनाक बनवाया हुआ है सिमलिस्ट भाई से। ओके तो आगे चलते हैं गाइस यहां से। ऑलराइट तो कुछ इस तरीके के ये बने हुए हैं, जो कि काफी मस्त लग रहे हैं, तिरछे तिरछे बना दिया, काफी खतरनाक है। ओके तो यहां से मेरे को चलना है इधर, एंड लगता तो है मैंने ये रैंप को इजीली कंप्लीट कर दिया दोस्तों, चेक दिस आउट यार। ओके तो मैंने गाइस अभी जो रैंप है वो कंप्लीट कर दिया है, एंड
एंड कैसे के साथ मेरे को झिंगुर भाई ने बताई थी लोकेशन जू पार्क की। तो चलो फटाफट से गाइस यार वहां पे चलते हैं। एंड गाइस अभी लोगों को ये पता चलेगा, ये लाइव चल रहा है, ठीक है, लाइव चला इंडियन बाइक शर्म 3D की टीवीओ पे लाइव चला होगा कि ये मैंने रैम कंप्लीट किया और अब मेरे को मिल चुका है गाइस जू पार्क। और आप लोग को ये रैम कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा, आप लोग ऐसे ही आ सकते हो कुछ रुपए देकर। मतलब आप लोग इससे ये समझ सकते हो कि मेरे को ये रैम कंप्लीट करके लोग सोचेंगे कि अरे भाई इसको तो रैम कंप्लीट करना पड़ा फिर इसको जू पार्क मिला, मेरे को तो ओनली 500 रुपीज में ये मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो यार, आप समझदार हो गए। ओके, तो गाइस भी आप लोग बनेंगे ये जू पार्क ना इंडियन मैक्स M3D का सबसे बेस्ट जू पार्क होने वाला है। और ये भी गाइस सिमलिस्ट भाई ने ही बनाया हुआ है। ओके, तो भाई झिंगुर भाई की तो दाद देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने कितना मस्त बनवाया हुआ है। ऑलराइट, तो चलो गाइस अभी आप लोग देखो यार ये क्या ही खतरनाक है। एंड यहां पर एनिमल्स भी काफी ज्यादा है यार। और गाइस ये देखो भाई, ये तो मेरे को काफी पसंद आया गाइस। यहां पर जो यार ये सोफे वगैरह हैं एंड इनका झूला बना दिया, वाह क्या ही मस्त लग रहा है यार। आप लोग देख पा रहे होंगे, मतलब यार क्या ही क्रिएटिविटी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर तो भाई कितने सारे एनिमल्स भी टहल रहे हैं। एंड भाई ये क्या है भाई, ये क्या ही बना दिया यार, कितना मस्त सेटिस्फाइंग लग रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी के साथ फटाफट से अंदर चलते हैं एंड अंदर देखते हैं क्या। ओह माय गॉड यार, भाई फील आ रहा है कि भाई सच्ची में जू पार्क में भाई हर तरीके का यहाँ पर हमको एनिमल देखने को मिल रहा है यार। चेक करो भाई, और यार यहाँ पर तो भाई ये फ्रेंडली एनिमल्स भी है। भाई देखो यार लाइन है मेरे सामने, ओके फीमेल लाइन है, बट ये मुझे कुछ कर नहीं रही है। ओके यार ये सबसे ज्यादा बेस्ट जू पार्क की बात है। एंड अभी मैं आपको ड्रोन शॉट एक बार दिखाता हूँ कि भाई ये देखो यार, तो कुछ इस तरीके का इंडियन बाइक्स M3D के अंदर आ चुका है जू पार्क। एंड अगर गाइस आप लोग इसकी लिंक लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, आप लोग भी अपने गेम के अंदर ऐड कर सकते हो इसको। ओके, तो चलो फटाफट से गाइस अभी आपको दिखाता हूं। ये देखो गाइस यहां पर एक और हॉर्स जा रहा है एंड इसके साथ यहां पर बहुत सारे और भी जानवर हैं। एंड इसी के साथ गाइस यहां पर भाई काफी ज्यादा अच्छी टहलने के लिए भी चीजें भरी हुई है। भाई ये देखो भाई बहुत ही ज्यादा अलग लेवल एकदम बना रखा है, मेरे को तो काफी पसंद आया दोस्तों। एंड अगर गाइस आपको भी पसंद आ रहा है ना तो फटाफट से अभी के भी वीडियो को लाइक जरूर से मार देना। ओके, एंड यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसा पिंजरा जैसे बना रखे हैं ताकि इसके अंदर हम एनिमल्स को कैद कर सकें। ओके, अभी तो थोड़े बहुत एनिमल्स हैं क्योंकि नया खुला है। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ऊंट आ रहा है गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे रेगिस्तान में होता बट आपको जू पार्क के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, एंड इसके साथ यार गेंडे वगैरह यहाँ पर भी हैं और बफेलो वगैरह भी हैं एंड क्रोकोडाइल्स वगैरह भी हैं भाई, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। एंड गाइस यार मैं सोच रहा हूँ अगर भाई ये जो जानवर खुले घूम रहे हैं अगर इनको थोड़ी सी भी गुस्सा आ जाती तो भाई ये क्या ही करेंगे भाई। आप लोग देख रहे हो क्रोकोडाइल वगैरह सब कोई बाहर घूम रहा है एंड कुछ अंदर घूम रहे हैं, अंदर वो अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं। ओके, और ये देखो भाई ये खतरनाक वाले हैं स्नेक मॉन्स्टर्स, ओ माय गॉड। तो दोस्तों इसी तरीके के बहुत सारे और भी यहाँ पर एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप लोग आते हो इस इंडियन बाइक शॉप 3D जू पार्क के अंदर। ओके, एंड इसी के साथ दोस्तों अभी मैं क्या करता हूँ अपनी बाइक से पूरा जू पार्क टहलता हूँ क्योंकि यार ये जू पार्क काफी ज्यादा बड़ा है, पैदल कर टहलूंगा तो गाइस यार पूरा एक दिन लग जाएगा। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, इसके अंदर हम और भी बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं उनको हम छोड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर आपको चलकर दिखाते हैं, इधर चलता हूँ, इधर भी एक बना हुआ है पिंजरा जैसा जहाँ पर हम बिग एनिमल्स को स्पॉन कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। एंड ये गाइस आप लोग देखो ये एक ग्रीन गार्डन, ओके इसके अंदर आप लोग आकर एंजॉय कर सकते हो ग्रीन गार्डन में, कितना मस्त यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर झोपड़ी वगैरह भी बनी हुई है भाई साहब, समझ रहे हो ना, इसके अंदर आप लोग बैठ कर एंजॉय कर सकते हो बहुत सारी और भी चीजें। यहाँ से मैंने बाइक को खोला एंड वो आप लोग देखो भाई कहाँ पे उठ के आया हूँ। एंड ओके, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एंड ये भी एक आप लोग गार्डन ही मान सकते हो इसको, काफी मान सकते हो क्या भाई गार्डन ही है। ओके, तो यहाँ पर भी आप लोग आकर एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा मस्त बना हुआ है। एंड इसके साथ गाइस और मैं देख लेता हूँ क्या क्या यहाँ पर एनिमल्स तो काफी है गाइस, झोपड़ी वगैरह बहुत सारी चीजें, अभी मैंने आपको ये पूरा का पूरा दिखा दिया है। ओके, एंड थोड़ा बहुत और बचा है वो भी आपको दिखा देता हूँ चलकर। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको इतने ज्यादा ग्रीनरी 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 दिखने वाली है, काफी ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो आओ यार इंडियन मैक्स M3D की जुरासिक पार्क में जाओ, सॉरी जू पार्क है यार, यहाँ पर आपको डायनासोर नहीं देखने को मिले सिर्फ यहाँ पर मेरे को, वैसे यार डायनासोर तो भाई जुरासिक पार्क में होंगे ना
जुरासिक पार्क ऐसे बना हुआ है, ओके। मैं भी बना चुका हूँ जुरासिक पार्क का वीडियो, नहीं देखी है तो देख लेना, ओके, चैनल पे पड़ी होगी जाकर, ओके। तो गाइस के साथ यार यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुके हो तो फटाफट से वीडियो को भी कभी लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको चैनल पर ऐसे ही खतरनाक वीडियो देखने को मिलती रहती है यार, एंड ऐसे ही खतरनाक वीडियो के साथ मिलता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।